खाई में जेसीबी पड़ी है एक, और कुत्तों ने अपनी जगह संभाल ली है पहले। सो गाइस आंवले टूट रहे हैं, ओए होए आंवलों की बरसात कर दी इधर, अब इनको धोएंगे। बकरियां भी खा देंगे, बकरियां भी खा लेंगे साथ में। सो गाइस घर हम आए और देखो अचार के, अचार नहीं क्या बोलते हैं, आंवले के साथ नमक मिर्च मसाला तैयार है। और ये आंवलों का पेड़ और ये अपने चिरकुटी यार, जंती माता यो कहाँ जंती माता, दस सरविया दे दस आंवले गाइस। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए व्लॉग में, और हम आ चुके हैं अपने घर पे फिर से। आप भी सोचेंगे कि कभी घर पे होता है, तीन चार दिनों के बाद हॉस्टल पहुंच जाता है, तो यही है कुछ कैजुअल अपना ना, कभी इधर कभी उधर। तो आज हम टेलर के पास जा रहे हैं, हमारे वरुण जी की जीन्स लेके सेट करवानी उनको। वो एक्चुअली ना थोड़े पैसा कमा रहे हैं तो जीन्स ली उन्होंने नहीं, अब उसको तो मैं फिटिंग करवा दूँ अपनी। मैं चलो ठीक है जी करवाऊँ करवाऊँ। सो वही अपना घिसा पिटा रास्ता आ गया, आगे देखो ऑफ रोड, पर उनसे दिख नहीं रहे कि मैं कॉल कर लूँ जरा उनको। तो भाई जी इधर ये नीचे कहीं खड़ा हुआ, इतनी साफ बाइक आपने देखी है कभी? जहाँ पे पानी के लिए स्ट्रगल करनी पड़ रही है खेतों के लिए, अब किसी ने टाप जो बोलते हैं मतलब वो रोक देते हैं पानी को ना, वो किसी ने अपने साइड घुमा दिया, वो कब्जा करेंगे उसके ऊपर। अब हम कालिन भैया कौन से वाला घुमाना है? काले भैया क्यों कालिन भैया? मैं क्या विलेज लाइफ इज नॉट इजी, गांव में रहना आसान थोड़ी ना। ये हमारी दोनों चल पड़ते तो रेड बुल आ रहा आपका पड़ोसी। तो बस पानी की तलाश में भटक रहे हैं और खेतों में घुमाई जा रहे हैं हमारे को कालिन भैया हमारे। कोई धूप है पंजाब में, धूप ही नहीं लगती है इधर, देखो धूप कितनी तगड़ी लगी हुई है। और ऐसे चले हम कुल के सहारे खेतों में से। तो भाई यहाँ से अभी हमने एक बैरिकेड तोड़ दिया है, काफी है पानी, तो जल्दी आ जा वापस। गाइस रास्ता बड़ा खतरनाक है, किसी भी समय हमारी बाजू की लात छिल जा सकती है, क्या बोलते हो कालिन भैया? बिल्कुल बिल्कुल। बस खत्म हो गया दौर खेतों का। ये पेड़ देख लो, ये इमली का पेड़ है ये ये वाला जो है, इसके ऊपर ऊपर इमली लगी है। कैमरे में शायद नहीं दिख रही। और ये केले का पेड़, और ये साग, गोभी, वो दो मिर्चें, अदरक। तुबका तुबका करके गुड्डी चढ़ती हुंदी है। कैंपस जो है, और हम जा रहे हैं अब तरसू। यस तरसू जा रहे हैं, सर्वे करने जा रहे हैं हाईवे का। हाँ पीछे दिखाओ लोगों, दुकानें दिखाओ टाइम पर भी। ये बस स्टैंड है, हम आपको अभी अपना घर दिखाएंगे, यहाँ से दिखेगा पूरा बिल्कुल पहाड़ चढ़ के, पांच छह पहाड़ चढ़ के
रस्सी के सहारे से चढ़ना पड़ता है ऊपर। वो देखो, जूम करके दिखाओ, वो टावर लगा है जो दिख रहा। टावर टावर दिख गया टावर दिखा, वो तो देखा पीयूष बैठा करके ऊपर छत के ऊपर। बाकी टावर है जहाँ पे वही घर है हमारा। रेलवे स्टेशन को रास्ता जाना लग रहा है, इधर जाके हमारा कांगड़ा का रेलवे स्टेशन है। अभी हम आपको दिखाएंगे वो, उससे पहले हम आपको दिखाएंगे लकड़ी का पुल अंग्रेजों के टाइम का। तो गाइस अभी है वो रास्ता, ये देखो मंदिर के ऊपर से कैसे पुल निकाल लेने वाले थे। दिखा रहा है यहाँ पे फिश दिखा रहा है, फिश दिखा रहा है। कोई भी आगे से कोई इंसान आएगा ना, तीन चार जाने इकट्ठे से आगे, तो ये पुल जो हिलता है ऊपर नीचे ना बिल्कुल। और काफी सारी नीचे मछली है वो देखो, तो यहाँ से लोग नहाते थे पहले, अब तो थोड़ा साफ नहीं है पानी। वो देखो मछली कितनी सारी है। अभी हम आपको और दिखाएंगे आगे आगे क्या है इधर रस्ते, दिखा इधर भी है। ये दिखा पीछे 1914 वो लिखा है पीले बोर्ड के ऊपर, वो पीला बोर्ड। रेलवे स्टेशन प्राचीन, ये भी अंग्रेजों के टाइम का है। ये जाके किसी ने नीचे जाना होगा तो उसके लिए ये रास्ता है। देखो यहाँ से मोड़ेंगे अब हम, डर तो लग रहा है हल्का हल्का से गिर ना जाए। कोई बात नहीं, डर के आगे जीत है। जीत नहीं है, छोड़ी है। पीछे दिखाओ जे कहाँ से ऑफ रोड कर रहे हैं जब पूरा ऊपर चलो इधर को। हमारे विकास भी अब सोच रहे थे नीचे जाने को, लेकिन नीचे सोचे जाना कहाँ से। अभी नीचे तो बाइक जाएगी नहीं, जिससे रास्ता है वो देखो, ये ओनली मशीन के लिए ही है। नीचे खड्डा देख लो कितना बड़ा है, हम गिरेंगे नीचे सरिये हैं वो देखो, आर पार ही हमारे ये ठीक है। वो देख वो है टनल बन रही उस साइड, पूरा पहाड़ी गायब कर दी यार इन्होंने तो। ये रेलवे ट्रैक है इधर से, वो देखो लोग जा रहे हैं वहाँ से, और कुत्तों ने अपनी जगह संभाल ली है पहले। और ठीक है काफ़ी रास्ता हमारा हो जाना ना अब शॉर्ट, हमारी दनों भी आई है साथ में आज, और यहीं तक है बस अभी तक बाइक आने का सफ़र। बाकी फिर अभी पक्षियों के लिए जगह खुली है यहाँ से। अब देखो जरा कंस्ट्रक्टर चला है हमारा, एक बिजली का गांव, बिजली वाला सिस्टम हो देखो, बिजली चोरी तो नहीं कर रहा है ये। ठेकेदार साहब क्या लगता है आपको? लगता तो मेरे को बड़ा कुछ है। कहाँ से बनेगा रास्ता है? लग नहीं रहा पता कहाँ से बनाएंगे रास्ता, ये कहाँ से जाएगा रास्ता? रास्ता एक किलो तो नीचे बन रहा है नीचे, हाँ फिर और एक आगे बनेगा। सुनो ठेकेदार की बात सुनो आप, ठेकेदार जी
ठेकेदार तो सोच रहा है नीचे जाके सर्वे करना पड़ेगा एक बार नीचे जाके, तभी जाके बता सकता हूँ कैसे बनना है पुल। सही है। हाँ खाई में जैसी बीच पड़ी है, एक जेसीबी बोलते इसको, क्या बोलते होंगे हैं जेसीबी बोलते इसको भी, इसको क्यों जेसीबी बोलना, ये थोड़ी जेसीबी है। ये ऊपर चढ़ पाएगी, ऊपर को जाना होगा तू साइड को, नहीं जाना नहीं जाएगी तो साइड रास्ता बना के, पंजे तो बड़े खतरनाक है इसके। नहीं वैसे जाए पहाड़ खड़ा है वो अंदर अंदर को जाके, वो अमेजोन जंगल वाली फील आ रही है वो, देखो ना अंदर को जाके।